बहराइच के ग्राम पंचायत मथुरेपुर के दबंगा को चदार प्रतिनिधि राम तेज यादव के द्वारा पूर्ण रूप से खाद्यान्न न दिए जाने के संबंध में नायब तहसीलदार को दिया गया ज्ञापन। तहसील कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत मथुरेपुर के दबंग कोटेदार राम तेज यादव तथा उनके सहयोगी के द्वारा अंगूठा लगवाने के बाद पूर्ण रूप से खाद्यान्न नहीं दिया जाता है। ये बातें ग्रामीण की जनता ने मीडिया कर्मी अनिबानों से बताया कि प्रीतम के नाम से कोटा चयनित है, लेकिन दबंग कोटेदार राम तेज यादव के द्वारा कार्ड धारक से अंगूठा लगवा लिया जाता है, राशन यूनिट के हिसाब से नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि कई वर्षों से अपनी दबंगई के बल पर राशन कार्ड धारकों से अभद्रता किया जाता है तथा पूर्ण रूप से राशन नहीं दिया जाता है। इस संबंध को लेकर प्रधान प्रतिनिधि राजीव सिंह ने अपने क्षेत्र की जनता के साथ तहसील पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करते हुए कोटा सस्पेंड किया जाए। इस मौके पर राशन कार्ड धारक कलावती राकेश निषाद, सुमित्रा लंगड्डी, अग्नि सुमन, सुनीता देवी, अनीता उषा देवी, राम लखन कुमारी, कलावती शांति राम, केवल चतुरी बिमला, प्रिया रामा देवी, प्रीति मंजू, प्रधान प्रतिनिधि राजीव सिंह प्रधान, प्रीति समाज सेवी, देश राज यादव, साहित्य सैकड़ों राशन कार्ड धारक ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। अब देखना है यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद योगी राज में जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करते हैं या फिर ऐसे ही थाना चढ़े टोकरी में डाल देते हैं। जनरल एक्सप्रेस। ये कौन सा ग्राम पंचायत? क्या समस्या है? गल्ला नहीं दिया था। कौन कोटेदार है? आप लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं? गल्ला नहीं दिया था, भगाए दिया था, गरिया उठा था। गरियावा था, गल्ला नहीं दिया था। अच्छा, बोली आएगा गल्ला नहीं दी है। गल्ला नहीं दी है? हाँ। उठा लग गया? अंगूठा नहीं लाग है। अंगूठा लगे? कागज बहा दिया था। कागज बहा देते हैं? क्या समस्या है? गल्ला नहीं दिया था, रोज गया है अंगूठा लगा हुआ। 8 बजे रात में है तो हम सब लोग झगड़ा करे लगे की आए हैं सब डकैती डर। कोटेदार कौन है? प्रीतम कोटेदार। कौन सा ग्राम पंचायत? मथुरेपुर। क्या नाम है आपका? गोविंद। क्या समस्या है? समस्या है, गल्ला लेने जाते हैं और गाड़ी दे के भगाते हैं। ये कौन सा ग्राम पंचायत? मथुरेपुर। और प्रीतम कोटेदार और बाटा था राम तेज बाटा है। प्रीतम कोटेदार है, अनुसूचित जात के हैं। हाँ। केसन, क्या समस्या है? गल्ला नहीं देते हैं, 4 बाजी दौड़ाते हैं, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, 3 महीना में 1 बाजी दे देते हैं और नहीं देते हैं। अंगूठा लगवा लेते हैं? अंगूठा लगा लेते हैं, गल्ला नहीं देते। गल्ला नहीं देते। ये कौन सा ग्राम पंचायत? मथुरेपुर कॉलोनी। कोटेदार कौन है? प्रीतम है। बाटा कौन है? राम तेज कौन है? वो यादव। मनसाराम। क्या समस्या है आपकी? ये उस दिन कोटा पे गल्ला लेने गए थे तो उस दिन को हम लोग लेडीज लोग को सब साइड में खड़ा करा, छुपा के खड़ा किया गया था। अच्छा। तो वहाँ पे जब हम लोग पूछने गए तो बोले कि रात में गल्ला बटेगा, बोलते दिन में नेटवर्क नहीं आता है। अच्छा। तो जब हम लोग पूछने गए तो हम लोग बोले जेंट्स लोग कल लेने आओ, लेडीज लोग का मामला है। तो उसका हम लोग वीडियो बनाए थे, तो वीडियो हम लोग के पास थे, तो वीडियो लोग मोबाइल छोड़ने लगे थे। तो रात में हम लोग दूसरा कार्रवाई किया, पुलिस वुलिस आई तो वो घूस देने में कामयाब हो गए, लोग पैसा दिया, पुलिस ऐसे चली गई वापस यहाँ से। कौन सा ग्राम पंचायत? मथुरेपुर। कोटेदार कौन है? प्रीतम। पाटता कौन है? उनका एजेंट राम तेज। उनको एजेंट बनाया है, उनको मुखिया बनाया उनको, राम तेज को। हाँ। 20 साल 25 साल। कितने साल से? 20-25 साल हो गए उसको। वही बांटता है। शिव कुमार। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब कि जब गल्ला लेने जाते हैं तो वहाँ गाड़ी दे के भगाते हैं, कहते हैं कि नटवर नहीं पकड़ता है, प्रीतम कोटेदार है, और बांटते हैं राम तेज बांटते हैं। हाँ। दबंगई दिखा रहे हैं और वो दबंगई दिखा रहे हैं, उनके लड़के हैं जो गाली देते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने मशीन मेरे आगे फेंक दिया रोड पर यहाँ। अच्छा। कहीं ले जाओ इसको, तू डरो। हाँ। गल्ला नहीं और बता रहे कि हमारे यहाँ इतनी टाइम डाका डालने आए हैं रात में, और गल्ला रात में कहते हैं बांटेंगे। अच्छा। फिर उनकी मलकिन कहते हैं कि ये डाका डालने आए हैं। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? आप बताइए, होली है, गल्ला नहीं दे रहे हैं, जब जाओ तो कहते हैं आज की टाइम नटवर नहीं है, मशीनें नहीं चल रही है, क्या चाहिए आपको?
सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।